अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक पे पार्ट होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है PSL सीजन 8 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एहसानुल्लाह, मुल्तान सुल्तान के बेहतरीन बॉलिंग करने वाले एहसानुल्लाह, जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिए गए। इस बार एहसानुल्लाह का ताल्लुक स्वाद से है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। बकौल एहसानुल्लाह के वो स्वाद में है, जैसे टेप बॉल होती है हमें वॉइस से उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद वो मर्दान चले गए, जहाँ पे मर्दान एक एकेडमी में खेल खेल के उनको फॉल्कन इंटरनेशनल एकेडमी में भेजा गया, जहाँ उन्होंने मजीद अपनी सलाहियत को निखारा और आगे मुल्तान सुल्तान में उनको पिक के लिए सीजन 7 के लिए उनको पिक किया था। एहसानुल्लाह को अपने बेहतरीन जो बॉल उनके फेवरेट खिलाड़ी है वो है वकार यूनिस, उन्होंने भी उनकी बहुत मदद की बॉलिंग में। एहसानुल्लाह ने इस बार PSL सीजन 8 में ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड जीत लिया। उसमें उनकी बेहतरीन बॉलिंग क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ थी, जो 12 रन के ऊपर उन्होंने 5 विकेट हासिल किए। तो आगे से उनको इनके सिलसिला में मिला कि आगे से जो अफगानिस्तान टूर शुरू होने वाले 2 दिन में 23 मार्च से, तो उसके लिए भी उनको पिक कर लिया गया। तो मेरे ख्याल में एहसानुल्लाह के लिए से खुशखबरी वाली कि कोई और बात नहीं होगी, कि उनको एक तो PSL सीजन 8 का उन्होंने टूर्नामेंट अब तक और टूर्नामेंट वाला जो अवार्ड था वो जीत लिया प्लेयर वाला, और दूसरा अभी वो आ रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ क्रोमी टीम में सेलेक्ट होके। तो हमारे में एक तमन्नाएँ हो एहसानुल्लाह के साथ है, हम दुआ को कि एहसानुल्लाह इसी तरह से अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करता रहे, अल्लाह उनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बता दीजिएगा, राय का इजहार कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।